हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का, मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए, एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, फुल सिलेबस टेस्ट यानी कि 10 के 10 यूनिट के क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे। 10 के 10 यूनिट के क्वेश्चन हम लोग यहां पर करने वाले हैं। बाइलिंगुअल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण सेशन, आप सभी इसका फायदा जरूर से लोग उठाएं। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले आपको बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले, चलिए बिल्कुल सही है आंसर होगा इसका डी, दैट इज इंदौर जबलपुर सागर भोपाल। आंसर क्या होगा इसका? डी, दैट इज इंदौर जबलपुर सागर भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जूनागढ़ इंक्रिप्शन विच अमंग द फॉलोइंग सरकार रूलर अचीवमेंट्स आर हाईलाइटेड। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। केवल जियोग्राफी करंट और गेम्स करंट और एमपी करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दे, बाकी टॉपिक नहीं है क्या? अवश्य। चले आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही है, ये जूनागढ़ इंक्रिप्शन की बात की गई है। और जूनागढ़ इंक्रिप्शन जो है, रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख, संघ सांसद जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रा दामन, तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शैक्षिक सब क्षेत्र की सेवा के लिए आपको बताना है, शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए पहले भारतीय उपग्रह के रूप में जाना जाता है। शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए, दैट इज फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर द एजुकेशनल सेक्टर। एजुकेशनल सेक्टर के लिए इसका नाम ही है एजुशेट, एजुकेशन सेटेलाइट, दैट इज शैक्षणिक पर्पज के लिए। आंसर क्या होगा इसका? सी, दैट इज एजुसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम ने मान्यता दी? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट जो है वितरित किए जाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। तो ये आपको बताना है, लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था पोर्टफोलियो सिस्टम को 1859 में, इसको मान्यता किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? आंसर होगा इसका ए, दैट मींस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो 1861 के अधिनियम के माध्यम से, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से ये पोर्टफोलियो सिस्टम को आधार प्रदान किया गया, ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये यहाँ पर सभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के लिए, सभी वन्य जीव संबंधी नहीं है। आंसर होगा इसका, ये पहला गलत हो गया। दूसरा, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये गलत है। इसकी अध्यक्षता जो है मंत्री होते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। यानी कि आंसर यहाँ पर होगा, ये आपका गलत है दूसरा स्टेटमेंट भी, यानी कि आंसर होगा इसका डी, दैट इज 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, होपफुली कल की क्लास की पीडीएफ सभी को प्राप्त हो गई होगी। यूनिट नंबर 5 के 200 प्रश्न जो हम लोगों ने किए थे, आई होप कि सभी को पीडीएफ सभी लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, प्रैक्टिस जरूर किया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हेमा सिंह जी प्लीज आप एक बार क्वालिटी बढ़ा लें वीडियो की क्वालिटी एक बार बढ़ा लें यदि प्रॉब्लम हो रही है तो। चलिए इसका आंसर जो है, इसमें प्रश्न पूछा गया है नागानंद किसकी रचना है, आंसर इसका डी नागानंद जो है हर्षवर्धन की रचना है, आंसर इसका डी हर्षा की रचना है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल रंजीत जी, न्यू पैटर्न बेस्ड है। सोनल जो है पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की है, एक तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, वहीं पर एजुकेटर कम्युनिटी है, मेरी एजुकेटर कम्युनिटी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर नीरज पांडे के नाम से है, वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है, सो प्लीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। विच इवन द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स आर आउटसाइड द पार्ट फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये देखिए यहाँ पर जो है क्लेम्स ऑफ SC ST SC ST टू पब्लिक सर्विसेज, ये आर्टिकल 335 में संविधान के अनुच्छेद 335 में ये प्रावधान दिया गया है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये भी आपका जो है 350 में दिया गया है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी आपका जो है 351 में, दैट मींस यहां पर जो है आंसर होगा तीनों स्टेटमेंट सही है। एक्चुअल में इनको क्यों कहा गया है कि नीति निदेशक DPSP के बाहर के ये निदेशक सिद्धांत है, क्योंकि ये एक्चुअली पार्ट थर्ड में हमारे नहीं दिए गए, सॉरी पार्ट फोर में नहीं दिए गए, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो DPSP की तरह ही है, इसलिए जो है आंसर होगा इसका DPSP के बाहर के निदेशक तत्व तो कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख बताना है, विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख हु आर द हेड ऑफ द विंध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा इसका, विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख, बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं, मार्तंड सिंह थे राज प्रमुख, महाराज मार्तंड सिंह जो है विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख थे, अवधेश प्रताप सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिदपुर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, महिदपुर का युद्ध आपको बताना है किस कब लड़ा गया था, आंसर होगा इसका महिदपुर का युद्ध जो है 1817 में लड़ा गया था, ये अंग्रेजों और होलकर के बीच जो है, और इसी के बाद जो है राजधानी ट्रांसफर हुई थी आपकी महेश्वर टू इंदौर, सो 1817 महिदपुर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में खबरों में रहा आया बेतला बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है, बेतला नेशनल पार्क आपको बताना है इनमें से किस राज्य में है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या तेलंगाना में। आंसर क्या होगा इसका, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, पलामू जिले में, ये आपका झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया पक्षी कहाँ पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताना है, आंसर होगा इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आंसर होगा इसका ए दैट इज थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, आंसर होगा इसका ए दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, वेरी द हेड ऑफ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, आंसर क्या होगा इसका, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, आंसर होगा इसका बी दैट इज इंदौर, आंसर होगा इसका बी दैट इज इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, आंसर होगा इसका माउंट स्ट्रम्बोली दैट इज आंसर होगा इसका सी,
माउंट स्ट्रोम्बोली को लाइट पिलर ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोहों में, इसमें आपको जोड़ी मैच करना है, तो आपको मैच करना है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मोस्ट वेलकम। 1857 के विद्रोह की जोड़ी मैच करना। देखिए यहां पर तो सही है कि देखा जाए तो बिहार में कुंवर सिंह है, खान बहादुर नहीं, कुंवर सिंह। और इसके अलावा ये बख्त खां। सो यहां पर यदि देखा जाए तो लीडर्स हैं इसमें, लखनऊ सही है, बेगम हजरत महल, और फैजाबाद सही है, मौलवी अहमदुल्ला। यानी कि आंसर जो होगा आपका 2 एंड 4 इसका सही है, 2 एंड 4 इसका सही है, यानी कि आंसर होगा इसका सी, 2 एंड 4। चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गल्फ स्ट्रीम आपको बताना है किस प्रकार की धारा है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार का करंट है, उसका नेचर कोल्ड करंट है या हॉट करंट है, दैट मींस वार्म करंट है, या वार्म एंड कोल्ड करंट दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका बिल्कुल सही है, ए, दैट इज वार्म करंट है, यानी कि गर्म धारा है, गर्म स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टोरेट बिल्डिंग ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का निदेशालय भवन इनमें से बताना है कौन सा है। आंसर क्या होगा इसका, मध्य प्रदेश का निदेशालय भवन। आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं है। मध्य प्रदेश के निदेशालय जो भवन जो है वो सतपुड़ा भवन है, और इसके अलावा प्लस विंध्याचल भवन है। यहां पर आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं, वल्लभ भवन सचिवालय भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साबरमती नदी के संदर्भ में, साबरमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद रेफरेंस टू द साबरमती रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विद रेफरेंस टू द साबरमती रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साबरमती के नदी के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। साबरमती नदी के संदर्भ में चलिए इसमें से देखिए, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बिल्कुल सही है, अरब सागर में गिरती है, लेकिन उद्गम जो इसका है गिर वन में नहीं है, बल्कि ये आपका उदयपुर राजस्थान, ये अरावली से निकलती है, अरावली श्रृंखला से। सो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा, केवल एक सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता बताना है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता इनमें से फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड डिवीजन ऑफ पावर्स, थर्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। तो संघीय विशेषता की यदि बात करें, फेडरल फीचर्स की बात करें, तो इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहली आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन केंद्र और सेंटर एंड स्टेट्स के बीच, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, ये अमेरिका के संदर्भ में सही है, भारत के संदर्भ में सही नहीं है। फेडरल फीचर्स के ये जो है राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व तो नहीं है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है भारत में, क्योंकि भारत में जनसंख्या के हिसाब से राज्यों का, छोटा राज्य बड़ा राज्य, उसके हिसाब से सीटों का वितरण है। यहाँ पर आंसर होगा इसका केवल एक और दो। भारत अमेरिका में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, दो सीट प्रत्येक राज्य अपर हाउस में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो कार्बन एक्ट हाल ही में चर्चा में था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित किया गया है। जीरो कार्बन एक्ट आपको बताना है। चलिए इसका आंसर होगा, जीरो कार्बन एक्ट अभी हाल ही में चर्चा में है, ये यूरोपियन यूनियन का एक्ट है, इसमें 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना है, जीरो कार्बन को लक्ष्य रखा गया है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आयात कवर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जिसे कभी कभी समाचारों में दिखा जाता है। दैट इज इंपोर्ट कवर शब्द जो है,
ये किसको डिनोट करता है? इंपोर्ट कवर, ए इट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्री, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, इट इज द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स बिटवीन द टू कंट्रीज, इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स दैट इंपोर्ट्स दैट कुड बी पेड फॉर बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स। इंपोर्ट कवर आप लोगों ने क्रिकेट में एक प्लेयर सुना होगा या कई बार होता है, हर क्षेत्र में होता है, किसको कवर करने के लिए, इसको कवर करने के लिए का मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने में हमें क्या फॉरेन करेंसी लगती है, डॉलर वगैरह हमें देना पड़ता है, और वो हमें कहाँ से मिलता है, निर्यात वगैरह के माध्यम से मिलता है, कई माध्यम होते हैं लेकिन प्रमुख निर्यात से भी मिलता है, तो फॉरेन एक्सचेंज आवश्यक होता है, इंटरनेशनल रिजर्व जो है आवश्यक होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट कवर का मतलब ये है कि हमारे पास कितना इंटरनेशनल रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व है, कि हम कितने अगले कितने महीने तक इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो चीजें हमारे यहाँ पर आवश्यक हैं उनको कितने महीने तक हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षित हैं हम, तो ये आपका क्या कहलाता है, इसी को इंपोर्ट कवर कहा जाता है। यह है इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स दैट इंपोर्ट्स कुड बी पेड फॉर बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व, दैट इज आंसर ऑफ इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर की विशेषता की अधिक आवृत्ति है, हिंद महासागर में आपको बताना है ग्रेटर फ्रिक्वेंसी इनमें से किसकी होती है, साइक्लोन्स की, टोर्नेडोज की, हरिकेन्स की, या सुनामी की। हिंद महासागर में हम सबसे ज्यादा चक्रवात देखते हैं, यानी कि साइक्लोन हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे हमारे यहाँ पर भी साइक्लोन्स आता है, यानी कि चक्रवात आता है। सो ये आंसर क्या होगा, हिंद महासागर में ही अवस्थित है, आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से निम्नलिखित में से 1960 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आपको बताना है किसने की थी। चलिए बिल्कुल सही है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आंसर होगा इसका डी, दैट इज राज बिहारी घोष ने, यानी कि आंसर है इसका डी, राज बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए कौन से अनिवार्य योग्यता नहीं है, कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं बताना है, विच इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स, ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आंसर यहां पर होगा इसका क्या, बी इसका आंसर, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, डोमिसाइल जो है किसी भी राज्य का निवासी होना, जिस राज्य में अपॉइंट किया जा रहा है वो नहीं है, एंड इवन इसके इवन तो इसके अगेंस्ट है कि ऐसा होना चाहिए कि उस राज्य का निवासी ना हो, इसको फॉलो किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई अनिवार्यता भी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सो आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए, सॉरी, हम अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करते हैं, ये क्या कहलाता है, अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग क्या कहलाता है, आंसर होगा इसका, वेबसाइट का प्रयोग अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए करते हैं, ये क्या कहलाता है, आंसर होगा इसका ए, दैट इज साइबर वेंटिंग, यानी कि आंसर इसका ए, साइबर वेंटिंग, वेबसाइट्स टू पोर आउट वंस डिवाइसेस इज कॉल्ड एज साइबर वेंटिंग, दैट इज आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आभासी माध्यम से
आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लॉन्च किया किस वर्ष के लिए? आंसर होगा इसका 2023, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप जारी किया है 2023, यानी कि आंसर होगा इसका C2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? पेट्रोकेमिकल केंद्र आपको बताना है, इसमें से कौन नहीं है, पेट्रोकेमिकल सेंटर इनमें से कौन सा नहीं है? कोयली, जामनगर, मैंगलोर या राउरकेला? पेट्रोकेमिकल सेंटर आंसर होगा इसका डी, ये उड़ीसा में है। कहां पर? उड़ीसा में है। और ये किसका केंद्र है? ये स्टील का केंद्र है, यानी कि आंसर होगा इसका स्टील इंडस्ट्री के लिए आंसर होगा इसका डी, राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट उपकरण के रूप में एक साधारण टेलीफोन का उपयोग क्या कहलाता है? यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड ए, वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस पोर्टल? इंटरनेट उपयोग के रूप में एक साधारण टेलीफोन का उपयोग वॉइस लाइन कहलाता है, यानी कि आंसर क्या होगा इसका सी, दैट इज वॉइस लाइन, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोसंग शाह ने गुजरात के सुल्तान के विरुद्ध खान देश के सुल्तान की सहायता के लिए निम्नलिखित में से किसे भेजा था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट बाय हुसंग शाह टू असिस्ट द सुल्तान ऑफ खान देश अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ गुजरात? चलिए बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका गजनी खां को भेजा था, आंसर क्या होगा इसका बी, दैट इज गजनी खां, आंसर क्या होगा इसका बी, गजनी खां को खान देश के सुल्तान की सहायता के लिए गुजरात के सुल्तान के विरुद्ध हुसंग शाह ने भेजा था, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष राजभाषा में शामिल किया गया? संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाएं जो दी गई हैं उसमें सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से, यानी कि आंसर होगा इसका बी। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से ये जो है सिंधी भाषा को हमारे संविधान के 8वीं सूची की 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ऑल द पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो इनटू अरेबियन सी बिकॉज दीज टू रिवर्स? चार विकल्पों में से आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। महक गुप्ता जी, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप स्वतंत्र हैं तुक्के मारने के लिए। भारत प्रायद्वीप, भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, क्योंकि ये दोनों नदियां हैं। आंसर होगा इसका ए, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। किसके? ये आपके भ्रंश घाटी में, ये आपका विंध्याचल रेंज है, ये आपका विंध्याचल रेंज है और ये आपका जो है ये सतपुड़ा रेंज है, इन दोनों के बीच में भ्रंश घाटी में, आंसर क्या होगा इसका ए, दैट इज भ्रंश घाटियों के ढलान का अनुसरण करती है नर्मदा नदी, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी अभी आगे और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 30 क्वेश्चन अभी आगे और, लेकिन उसके पहले आज के सेशन की जानकारी दे दूं दोस्तों। सबसे पहले तो बता दूं, आज 5 बजे इसी यूट्यूब के चैनल पर एक और सेशन है, 5 बजे आपको मिलेगा ये यूनिट नंबर 7 का एमसीक्यू सेशन इसी यूट्यूब पर। लेकिन आज शाम को 6 बजे FLT है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, बिल्कुल फ्री FLT है, सभी लोग ज्वाइन करेंगे, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और एक ही क्लास में इस रेफरल कोड का प्रयोग करके PANDEY इस कोड का प्रयोग करके आप इस फ्री क्लास को ओपन कर सकते हैं। इसके लिंक आपको लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम के चैनल पर 5:50 तक प्राप्त हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी प्रोफाइल की लिंक दी गई है, तो आप लोग एक बार फॉलो जरूर कर लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो शाम को 6 बजे यूनिट नंबर FLT जरूर ज्वाइन करें, अकेडमी की लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री रहेगा।
और दोस्तों आपको बता दूं, जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी पीडीएफ शेयर की जाती हैं, उन सभी की जानकारी आपको एजुकेटर कम्युनिटी पर प्राप्त होगी, जो मेरी प्रोफाइल पर ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस की लिंक, सभी प्रोफाइल की लिंक, एजुकेटर कम्युनिटी की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्लस या आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप संपूर्ण तैयारी एक स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन से आप वन टू वन मेंटरशिप प्रोग्राम भी प्राप्त कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव सेशन जहां पर प्राप्त करेंगे। और ये आपको बता दूं, ये प्राइजेज है प्लस सब्सक्रिप्शन की, और सब्सक्रिप्शन के लिए इस रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करें, PANDEY, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लें या आइकोनिक सब्सक्रिप्शन, इस रेफरल कोड का प्रयोग PANDEY, इसका कोड का प्रयोग जरूर करें, जिससे आपको डिस्काउंट का लाभ प्राप्त हो सके। तो ये सेशन की जानकारी थी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के उत्पन्न होने वाले से, चुनाव में उत्पन्न होने वाले जो चुनाव चुनावी विवाद होते हैं, उनका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? चलिए बिल्कुल सही है, एक्सक्लूए जो है सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव पावर है आर्टिकल 71 के अनुसार, आर्टिकल 71 के अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा करता है। आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित रणनीतिक क्षेत्रों स्थानों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। रणनीतिक स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, लोकेशन है, पूर्व की दिशा, पूर्व पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व आंसर यहां पर होगा, ठीक है, पश्चिम से पूर्व यानी कि इस डायरेक्शन में बात की जा रही है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो यहां पर आपका ये आपका सक्सगाम घाटी है, और इसके अलावा ये आपका गैलवान वैली है, और ये आपका एक्साइड चीन है। यदि इस रूप में देखा जाए तो आपका एस एच गैलवान और एक्साइड चीन, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, पश्चिम से पूर्व आपका 1, 2, 3 आपका सही है, ये 1, 2, 3 सक्सगाम घाटी और गैलवान वैली और एक्साइड चीन पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा की सहायक नदी आपको बताना है इनमें से कौन सी है? बेतवा की सहायक नदी केन, कुमारी, पार्वती में से आपको बताना है। आंसर क्या होगा इसका? बेतवा की सहायक नदी जो यहां पर है वो कौन सी है? दसान, यानी कि आंसर होगा इसका डी, दसान रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना बिलासपुर जेल में लिखी गई थी? विच क्रिएशन वॉज रिटन बाय माखनलाल चतुर्वेदी इन बिलासपुर जेल? आंसर होगा इसका डी, पुष्प की अभिलाषा, बिल्कुल सही है, आंसर इसका डी, पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैट के संबंध में असत्य कथन बताना है। कैट के संबंध में असत्य कथन बताना है, यहां पर देखिए सिक्योरिटी ऑफ एब्यूट, बिल्कुल सही है, He also prepares the account for the state, सही है, He also audits the accounts of the state, बिल्कुल सही है, ये गलत है। केंद्र सरकार के लिए खाते तैयार नहीं करता, departmentalization of accounts 1976 में कर दिया गया है, for the central government and not for the state government, तो state government के लिए accounts plus audit दोनों का कार्य करता है, जबकि central government के लिए सिर्फ audit का कार्य करता है, यहाँ पर answer होगा इसका D। Next question है, इसमें से आपको बताना है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है? माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करने का एक परमिशन देता है, वो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30, ये जो है राइट प्रोवाइड करता है। आंसर क्या होगा इसका? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संविधान का अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया इनमें से किसकी रचनाएं हैं? रसिक प्रिया और कवि प्रिया इनमें से किसकी रचनाएं आपको बताना है?
चलिए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? आचार्य केशव की। आंसर क्या होगा इसका? आचार्य केशव। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ये आचार्य केशव की रचनाएं हैं। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? हु हैज द राइट टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। आंसर होगा इसका सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के उत्पादों को जीआई टैग के लिए नामांकित किया गया है। इसमें चार पाका बताना है, क्या है चार पाका? चार पाका बहुत महत्वपूर्ण। ये मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग द्वारा जनजाति समुदाय के उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए नामांकित किया गया है। इसमें चार पाका आपको बताना है, क्या है? इसका आंसर होगा, इसका चार पाका एक वनोपज है। चार पाका एक वनोपज है और ये आपको बता दूं, ये एक चिरौंजी है। एक्चुअल में चिरौंजी है, ये प्रमुख रूप से आपका गोंड और बैगा जनजातियों द्वारा एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो संग्रहित किया जाता है। डिंडोरी, मंडला और अनूपपुर जिलों में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। यहाँ पर वनों से ये संग्रहित किया जाता है। चिरौंजी है, यानी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस चार पाका वनोपज, इसके लिए नामांकित किया गया है जीआई टैग दिलवाने के लिए, ये जनजाति कार्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के चार पाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है? विच अमंग द फॉलोइंग डोने डांस इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू बुंदेलखंड? बुंदेलखंड से संबंधित जो यहाँ पर नृत्य है, देखिए ये आपका गणगौर आपका निमाड़ का है, और इसके अलावा मटकी आपका मालवा का है, इसके अलावा पिपरिया आपका ये भी निमाड़ अंचल का है, आपका बचा क्या भीमराई, तो ये आपका बुंदेलखंड अंचल का है, यानी कि आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी है ज्वाइंट द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021? कौन सा भारतीय शहर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है नवंबर 21 की न्यूज है ये, और ये जो है आंसर क्या होगा इसका? श्रीनगर। आंसर क्या होगा इसका? श्रीनगर को शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। आंसर होगा इसका सी, दैट इज श्रीनगर को इंक्लूड किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ढाक वाद्य यंत्र एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ढाक, जिसका प्रयोग किसी पर्टिकुलर नृत्य में किया जाता है, या आपको बताना है किस नृत्य में प्रमुख रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ढाक वाद्य यंत्र का प्रयोग आपको बताना है किस यंत्र में किया जाता है। आंसर होगा इसका, ढाक वाद्य यंत्र का प्रयोग काठी नृत्य में होता है, जो निमाड़ अंचल का प्रमुख रूप से नृत्य है काठी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का जो 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज मेड अमेंडमेंट्स टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान के किस भाग में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया आपको बताना है। देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 जोड़ा गया है और 16 का क्लॉज 6 हमारे संविधान में जोड़ा गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका ए, दैट इज मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है?
Which amendment of the Indian Constitution has abolished the nomination of Indo-Indians to the Lok Sabha and Legislative Assemblies? Which amendment of the Indian Constitution has abolished the nomination of Indo-Indians to Lok Sabha and Legislative Assembly? एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके माध्यम से समाप्त नहीं किया गया। ये कहना थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अलग है, पर आपको एग्जैक्टली यदि बताऊं तो ये जो 104वां संविधान संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से अनुच्छेद 334 में परिवर्तन किया गया। और 100 अनुच्छेद 334 में ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 में एंग्लो इंडियन, और अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए ये कहा गया था कि आरक्षण की व्यवस्था होगी और एंग्लो इंडियन के नामांकन की व्यवस्था होगी। तो ये जो 104, ये 100 अनुच्छेद 334 था, इस अनुच्छेद 334 में कहा गया था, शुरुआती में तो 10 वर्ष, लेकिन कई संविधान संशोधनों के माध्यम से बढ़ा दिया गया था। जो लास्ट बढ़ा गया था वो आपका 70 वर्ष के लिए किया गया था। तो 70 वर्ष पूरे हो जाते हैं 2020 में। तो इसमें एक्चुअल में किया क्या किया गया कि जो अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, उसको 70 वर्ष से बढ़ा करके 80 वर्ष कर दिया गया इस 104वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 334 में जो 70 था उसमें 80 लिख दिया गया, लेकिन जो एंग्लो इंडियन था उसके लिए वो 70 ही रहा है। तो 70 संविधान लागू होने से, तो 2050 में, सॉरी 1950 में संविधान लागू हुआ और 1950 से संविधान लागू होने का ये कितना हो गया 2020, यानी कि 2020 में ये समाप्त हो गया आपका क्या एंग्लो इंडियन के नामांकन का कॉन्सेप्ट है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। तो यानी कि इससे समाप्त नहीं किया गया, एक्चुअल में बढ़ाया नहीं गया, तो अपने आप समाप्त हो गया। तो बस ये फर्क है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका डी, 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा गुप्ता जी, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, मेरी एजुकेटर कम्युनिटी भी नीरज पांडे के नाम से, आप जाइए एक बार विजिट कीजिए, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल फ्री है, आप जाइए मेरी प्रोफाइल पर फॉलो कीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका सी, दैट इज वांछित स्तर से परे समुद्र के पानी में CO2 के अवशोषण और विघटन के साथ, यानी कि विद एब्जॉर्प्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ CO2 इन ओशन वाटर बियॉन्ड डिजायर्ड लेवल, ये आपका क्या होगा ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लांक्टन, यानी कि जो पादप प्लवक होंगे उनकी वृद्धि वृद्धि हो जाएगी। आंसर क्या होगा इसका, ये CO2 की मात्रा बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पदावधि के पश्चात कौन सा पद धारण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टर्म्स। यदि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो आपका अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, बिल्कुल है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, ये सदस्य नहीं बन सकता, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, यानी कि डिमोशन नहीं होगा। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आंसर होगा इसका बी, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो के साथ सुमेलित करना है, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, पर्याप्त समय लेकर के सूची एक और सूची दो को आपको मिलान करना है, मैच करना है।
यहां पर जो है देखिए, संसद का काम क्या है, बजट को अधिनियमित करना, यानी कि ए का हो जाएगा टू। कैग का काम क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, इसको जस्टिफिकेशन ऑफ लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को चेक करना, यानी कि बी का हो जाएगा फोर, बी का फोर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बजट को क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है बजट का फॉर्मुलेशन करती है, यानी कि बजट को तैयार करती है, यानी कि सी का हो जाएगा वन। और एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट जो है ये इंप्लीमेंट करते हैं अपने बजट को, यानी कि डी का हो जाएगा थ्री। तो 2413, 2413 किधर है, 2413 आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर क्या होगा इसका, बी सही है इसका आंसर, 2413। संसद बजट को अधिनियमित करती है, कैग बजट के का जो है लीगलिटी चेक करती है, बजट की लीगलिटी नहीं कह सकते, व्यय की वैधता सॉरी एक्सपेंडिचर की लीगलिटी, और वित्त मंत्रालय बजट को फॉर्मुलेट करता है, और कार्यकारी जो विभाग है वो बजट को पैसे को खर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गलत जोड़ी आपको बताना है, निम्न में से गलत जोड़ी आपको बताना है। आंसर क्या होगा इसका, चलिए बिल्कुल सही है आंसर, देखिए नर्मदा अनूपपुर से बिल्कुल सही, काली सिंध देवास से, सिंध विदिशा से, टोंस नदी जो है ये सतना से निकलती है, यानी कि आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल सती सुधार के लिए जाना जाता है, सती रिफॉर्म, सती को बैन कर दिया गया था सती सिस्टम को एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस को, दैट मीन्स यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड एलिमरो। आंसर क्या होगा इसका, ए दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंक, आंसर होगा इसका ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करना क्या कहलाता है, अपनी शिकायतों की ये तो हमने डिस्कस कर लिया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ, राज्य यूनिट 9 के एमसीक्यू हम लोग करेंगे कल के बाद, कल तक यूनिट नंबर 7 है, उसके बाद हम करेंगे। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर करवाए हैं मैंने, चलिए बिल्कुल सही है आंसर इसका ए भी सॉरी खंडवा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है, अंटार्कटिका में अनुसंधान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम, आंसर होगा इसका दक्षिण गंगोत्री, यानी कि आंसर होगा इसका ए दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने अभी डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स 103वें संविधान संशोधन, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा वन वृत्त आज FLT है, ध्यान रखना है आज FLT है, कितने बजे से, शाम को 6 बजे से। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री रहेगी, सभी लोग ज्वाइन करेंगे इस कोड का प्रयोग करके, शाम को 6 बजे से 100 क्वेश्चन की, आंसर होगा इसका सी दैट इज खंडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भारतीय राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर है, आंसर होगा इसका बी हैदराबाद में है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT कैन हियर द केसेस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, बिल्कुल सही ईयर इसको याद रखिएगा, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब का है 1974 का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है 1986 का, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, इसमें चौथा अधिनियम गलत है क्योंकि ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत NGT इसको जो है यानी कि इसके तहत अधिकार प्राप्त नहीं करता, इसको जो है क्रियान्वित नहीं करवाता है। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका 1, 2, 3, 1, 2, 3 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम NGT के दायरे में नहीं आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज सूची के मामलों पर कानून बना सकती है कैसे, किस प्रकार से,
डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं राष्ट्रपति से, तो उस स्थिति में संसद जो है कानून बना सकती है, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नो मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज एप्रोप्रिएटेड एक्सेप्टेड इन एक्सेप्ट विद द पार्लियामेंट्री लॉ, बिल्कुल सही है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू डिस्टिंग्विश द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर्स, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये हमारे बजट के संबंध में दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में दिया गया है, इसका आंसर होगा इसका डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों कथन सही है। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और शाम को 5 बजे इसी YouTube के चैनल पर 5 बजे YT पर आपको यूनिट नंबर 7 का सेशन मिलेगा, और आज ही शाम को 6 बजे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर FLT आपको प्राप्त होगी बिल्कुल फ्री, सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे फ्री FLT। कोड आपके पास है PANDEY, इस कोड का प्रयोग करके आप इस फ्री क्लास को ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको लेफ्ट ट्रैक एंड पिक जांच का जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर क्लास स्टार्ट होने के 5 से 10 मिनट पहले यानी कि 5:50 तक आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी, डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप क्लास को ओपन कर सकते हैं कोड का प्रयोग करके। और रात में 8 बजे यूनिट नंबर 8 का सेशन, ये ध्यान रखना है, ये मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, आप जाइए एक बार फॉलो कर लीजिए, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी सर्च कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जिन्होंने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल की, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, फ्री रजिस्ट्रेशन है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से गोल अपना सेलेक्ट कर लेंगे MBBSC अध्यापक, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर सर्च करेंगे नीरज पांडे, मेरी प्रोफाइल ऊपर में जाएगी, जितनी भी फ्री क्लासेस हो चुकी है या आने वाली है वो आप कभी भी देख सकते हैं फ्री, लाइव अभी जरूर ज्वाइन करें, जो हो चुकी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो प्लस प्रोसेस है वो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। PDF आपको एजुकेटर कम्युनिटी पर प्राप्त होंगी, ध्यान रखना है एजुकेटर कम्युनिटी पर आप PDF प्राप्त करेंगे, जो मेरी प्रोफाइल है वहां पर आपको एजुकेटर कम्युनिटी पर PDF प्राप्त होंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल पर फ्री अवेलेबल है PDF, सो प्लीज आप डाउनलोड कर लिए, ये मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से। एक्चुअल में ये नेहा किसको कह रही हूँ, वार्षिक वित्तीय विवरण में आप जो जब वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाता है तो उसमें अलग अलग पार्ट्स में शो करना होता है, कि जैसे यहाँ पर कहा गया है कि राजस्व व्यय, और प्लस इसके अलावा कह सकते हैं कि रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमें शो करना पड़ता है कि ये रेवेन्यू अकाउंट का एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल अकाउंट का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स है और कैपिटल रिसीप्ट्स है, तो ये इसके लिए कहा गया है, ये संविधान में दिया गया है ऐसा, अलग कैपिटल अकाउंट नहीं दिया गया, यहाँ पर कहा गया है कि रेवेन्यू अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। सो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर दोनों प्रकार की कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लासेस स्पोर्ट का उपयोग करके ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको बता दूं प्लस क्लासेस यदि आप एक स्ट्रक्चर में संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रत्येक प्लस सब्सक्राइबर को एनी टाइम एनी वेयर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं लाइव या रिकॉर्डेड, और इसके अलावा ये रेफरल कोड है PANDEY, ध्यान रखना है PANDEY, जिसके माध्यम से आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे, तो इस रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करें, अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप सभी के लिए सबसे किफायती है और सबसे बेहतर संपूर्ण तैयारी के लिए, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन 1-2 एंड मेंटरशिप के लिए, ध्यान रहेगा सेम रेफरल कोड PANDEY, ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फ्री क्लासेस को ओपन करने के लिए भी और साथ ही साथ प्लस क्लासेस के लिए भी सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर इस कोड का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। ये टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होगी, बक्स बाउंड्री एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ध्यान रखिएगा सेशन 5 बजे 5 PM पर YT, 6 PM पर FLT, ये 5 बजे YouTube पर, 6 PM पर ऐप पर बिल्कुल फ्री सेशन, और कोड जिसके माध्यम से आप फ्री क्लासेस को ओपन कर पाएंगे ये आपका कोड है, और इसी कोड का प्रयोग करके आप अपने अकेडमी की लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलेंगे, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच।